क्या टॉपिक करने वाले हैं? कल हमने टॉपिक किया था फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स देगा। तो बस घूम फिर के आज भी वही बात करनी है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यार मैं कह रहा हूं कि ये हमने कोई एक मैग्नेटिक फील्ड ली और इसके अंदर हमने कोई भी एक वायर प्लेस कर दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। किसी भी शेप का वायर हो सकता है। सपोज अभी मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने एक स्ट्रेट वायर है जो इसको प्लेस किया है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। तो यार फिर से वही वाली बात कह सकता हूं ना, अगर इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो मतलब चार्जेस मूव कर रहे हैं, और चार्जेस मूव कर रहे हैं तो वो क्या क्या फिनोमिनन प्रोड्यूस करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा ये वाला कंडक्टर भी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी, आपस में इंटरैक्ट करेंगी और फिर कुछ ना कुछ इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो हमें बस उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया क्या किसी को फॉर्मूला याद है? I into L cross B। अरे वेरी गुड काव्या भैया, हमारे पास फॉर्मूला है IL b sin थीटा। फिर से दिख रहा है यार ये साइन थीटा पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। तो इधर फोर्स आ गया हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। राइट हैंड साइड में कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर्स हैं? भाई बिल्कुल बढ़िया, करंट तो सबको ही पता है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बची दो ही क्वांटिटी, मीन्स एल क्रॉस बी। और फिर से जो हमने कल डिस्कशन किया था, घूम फिर के फिर से वही डिस्कशन है कि यार जो हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स होगा ये परपेंडिकुलर टू दी लेंथ भी लगेगा, एज वेल एज जो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकता हूँ, और अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट से डायरेक्शन फाइंड नहीं करना चाहता तो फिर मेरे पास एक रूल है। और वो कौन सा रूल है जिससे हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे? अभी भी फोर्स ही कैलकुलेट करना है। हाँ भैया क्या हो गया, जिंदगी में क्या गम आ गया तुम लोगों की? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कि यार जब भी मेरे को फोर्स निकालना है करंट की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो हम अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। तो देखो यार अभी भी इस एग्जाम्पल को ही पकड़ लो भाई, मैं कह रहा हूं कि मैं इस वायर पे पता करना चाहता हूं कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो जैसे हमने कल इस्तेमाल किया था वही आज काम करना है। मैग्नेटिक फील्ड लग रही है राइट हैंड साइड, करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स, तो हमारा जो थंब ओपन होगा वो पॉइंट आउट कर रहा है मेरा टुवर्ड्स द स्क्रीन। टुवर्ड्स द स्क्रीन मतलब जो मेरा फोर्स आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है? इनटू द प्लेन। वेरी गुड, इनटू द प्लेन मतलब माइनस जेड एक्सिस में आ रहा है। भैया चेक कर लो यहां तक चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? यस डन, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा फिर से चैप्टर की स्टार्टिंग पे आ जाओ। अगर चैप्टर की स्टार्टिंग याद हो, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहला एक लॉ पढ़ा था, बायो सावर्ट्स लॉ। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी एक वायर है और इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है तो भैया इसकी वजह से डायरेक्टली मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते थे कि भैया हम इसको छोटे से एक करंट एलिमेंट में तोड़ देते थे, इस करंट एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे। तो यही चीज आपको पीछे अप्लाई करनी है कि यार ये पूरा का पूरा कंडक्टर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो पूरे के पूरा जो ये फोर्स लगेगा इस पे वो ILb sin थीटा तो है, लेकिन एक्चुअल में ये ILb sin थीटा आया कैसे है? भैया हम छोटा सा एक करंट एलिमेंट लेंगे, इस करंट एलिमेंट की लेंथ होगी एल, लेकिन इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? बस भूल गए हो चीजें। वेरी गुड, मैंने भैया कहा था दो चीजों में डिफरेंस है। कौन सी दो चीजों में डिफरेंस है? ध्यान दो फिर से भाई, मैंने कहा कि सपोज ये एक बहुत बड़ा पाइप है, इस पाइप में भैया हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है। अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं कि भैया एक का मतलब है कि इस पाइप का मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है तो ये बन जाएगा मेरा डीएल वाला पार्ट, ये सिनेरियो वन है। वेयरस दूसरा सिनेरियो क्या है कि भैया मेरे पास बहुत बड़ा मतलब बहुत ब्रॉड पाइप था, अब मैंने क्या किया इस ब्रॉड पाइप को पूरे को कंसीडर नहीं किया, मैंने इस ब्रॉड पाइप की लेंथ तो पूरी ली है लेकिन बस ट्यूब का एरिया छोटा कर दिया। अब मेरे को बताओ दोनों केसेस में किसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा और किसमें कम अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होगा, मतलब दोनों सिचुएशन कैसा कैसी है? फर्स्ट वाले में
सेम होगा और ऊपर में सेम, वेरी गुड। तो यार हमें पता है फर्स्ट वाली सिचुएशन में जितना पानी हमारे इस पार्ट से एंटर कर रहा था उतना ही अमाउंट अभी भी इस पार्ट से भी एंटर करेगा, तो इस वाले में जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो सेम आएगा। Whereas, नीचे वाले केस में भैया पहले इतने ब्रॉड पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा था, मैंने उसके अंदर बहुत छोटा सा वो ले लिया है, एक एरिया ले लिया है, तो इसके अंदर अब अमाउंट हमारा सेम नहीं होगा, इसमें हमारा अमाउंट डिफरेंट होगा। तो यार यही चीजें आपको पीछे अप्लाई करनी है। मैं कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है, मैंने उस कंडक्टर के थिकनेस को नहीं तोड़ा है, मैंने उस कंडक्टर की लेंथ को तोड़ा है, उस कंडक्टर की लेंथ में मैंने छोटा सा पार्ट लिया है इधर, तो भैया इधर जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा, और वो कितना करंट फ्लो करेगा, आई करेगा, डन। तो यार मैं कह रहा हूँ इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो फोर्स आता है उसको हम लिखते हैं डी एफ इज इक्वल टू, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो बस इंटीग्रेट किसका करूंगा, डी एल वेक्टर का इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले इस फॉर्मूले को पकड़ लो और चेक करो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, किस एस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है अभी वो भी बताऊंगा, बस पहले इतना चेक कर लो समझ में आया ये फॉर्मूला या नहीं। Yes, sir. बहुत बढ़िया, अब ये किस एस्पेक्ट में इतना इंपॉर्टेंट है अब उसको देखते हैं। यार आप तो भैया वेक्टर्स आपने बहुत डिटेलिंग में पढ़ा होगा, इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंट है, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है इन दोनों क्वांटिटीज में, एक मैंने डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन किया, एक मैंने डीएल का इंटीग्रेशन किया, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर जो ऊपर वाला है उसमें डेफिनेट है इंटीग्रल, और जो नीचे वाला है, अरे भैया मैथ्स वाले स्टूडेंट, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? सर डेफिनेट जिसमें पर्टिकुलर लिमिट में फाइंड करना होता है। हाँ तो लिमिट तो दोनों में नहीं लगी हुई, फिर यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट का कहाँ से रोल आया, लिमिट्स तो दोनों में नहीं लगी हुई, डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भैया? इसके ऊपर मैंने कोई एरो मार्क नहीं बनाया, एरो मार्क नहीं बनाया तो मतलब अभी मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ। Whereas, इसके ऊपर मैंने एरो मार्क बना दिया, एरो मार्क बना दिया तो मतलब मैं किस किस चीजों की बात कर रहा हूँ, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भैया याद रखो जब आप छोटी छोटी लेंथ का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसिडर करते हो और उसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको हमेशा मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कंसिडर की जाती है। लेकिन जब मैं छोटी छोटी सिर्फ लेंथ को इंटीग्रेट करूं, डायरेक्शन ना देखूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब टोटल लेंथ। तो इधर भैया मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो डीएल का मतलब मेरे को इधर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना चाहिए या टोटल लेंथ कंसिडर करनी चाहिए? वेरी गुड, याद रखो हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना है। अब आधे बच्चों को ये बात क्लियर ही नहीं होगी कि मैंने क्या बोल दिया, तो देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। भैया ये क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है जनरली ऐसी छोटे से उसमें कि भैया हमने ली ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके अंदर मैंने एक ये सेमी सर्कुलर रिंग डाल दी है, सेमी सर्कुलर रिंग जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, डन। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और मेरे को इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस भी गिवन है कि सपोज इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है आर, तो आपको बताना है कि भैया इस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो देखो मेरे को क्या करना है, जब मेरे को मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है तो क्या मैं पूरी सेमी सर्कुलर रिंग का सर्कमफ्रेंस लूं या इसका डिस्प्लेसमेंट लूं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में क्या ड्रॉ कर देना, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। तो भैया ए और बी के बीच में मैंने बस क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा था तो करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा है। अब आप चेक करो कि भैया ये कितना एंगल बन रहा है करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का। अब ये एंगल जीरो डिग्री बन रहा है, तो अगर ये एंगल जीरो डिग्री बन रहा है तो अब की बार फोर्स कितना लगेगा, साइन जीरो डिग्री इज जीरो, तो फोर्स विल बी जीरो। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? Yes. जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो फोर्स जीरो लगेगा। चार्ज पार्टिकल मूव करने का मतलब करंट होता है, तो अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ रहा है तो भैया उस पर फोर्स जीरो लगेगा।
तो आपको कभी भी वायर की टोटल लेंथ नहीं देखनी, आई रिपीट, आपको वायर की टोटल लेंथ कभी नहीं देखनी, आपको वायर की डिस्प्लेसमेंट देखनी है कि वायर की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, और उस हिसाब से आप मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं एक स्टेटमेंट पूछूंगा आपसे, आप डायरेक्टली बताना क्या होना चाहिए आंसर। यार मैंने एक क्लोज लूप लिया और उस क्लोज लूप को, क्लोज लूप इज प्लेस्ड, करंट कैरिंग क्लोज लूप लिख देता हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बताते हो। करंट कैरिंग क्लोज लूप, कि भैया मैंने एक करंट कैरिंग क्लोज लूप लिया और उसको प्लेस कर दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड में, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप मेरे को बताओ उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कितना लगेगा? जीरो। वेरी गुड। क्या कोई बोलेगा कि जीरो क्यों लगेगा हमेशा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। वेरी गुड। यार अगर मैं कोई भी क्लोज लूप ले रहा हूं, चाहे वो जिस मर्जी शेप का क्यों ना हो, भैया क्लोज लूप की अगर आपने बात कर दी तो हमेशा डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन कितना आएगा? जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। तो अगर मैं चाहे किसी भी शेप की वायर को मैग्नेटिक फील्ड में क्यों ना रख दूं, उस पे हमेशा नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? उस पे जीरो लगेगा। यानी है यहां तक की बातें, इसको नोट डाउन कर लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर अगर वायर एंगल पे रखे तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चेंज होगा। बिल्कुल। डन सर। डन डन डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इसी बेसिस पे आ जाते हैं अपने एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, आप चेक कर लो कि आपको डायरेक्शन मार्क करना समझ में आया या नहीं आया, फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे अपने कॉन्सेप्ट पे। तो जैसे मैं कुछ कुछ डायग्राम ले रहा हूँ, आप बस चेक कर लो कि आपको फोर्स मार्क करना आया है या नहीं आया, कि भैया ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ये वायर रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। पहले इसमें चेक करके बताओ इसमें करंट कौन सा, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? तो यार सबने ये चीज चेक कर लिया है, मैं भी चेक कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ साथ, ताकि आपको भी डायरेक्शन क्लियर हो जाए। यार हमारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, तो जो मेरी फर्स्ट फिंगर होनी चाहिए वो आपकी तरफ पॉइंट आउट होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्ड्स का मतलब क्या है कि मेरी फिंगर स्क्रीन के अंदर जानी चाहिए, तो टूवर्ड्स द स्क्रीन। फिर मेरा करंट किधर जा रहा है? मेरा करंट जा रहा है भैया राइट हैंड साइड, तो मैं अपना थंब ओपन करूंगा तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस पर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो क्या किसी को इसमें डाउट है कि इसमें फोर्स अपवर्ड्स लग रहा है? डन। तो ये तो हो गई सिंपल सी बातें, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे जो मेरे को आपको समझाना है, हटाओ इसे। भैया क्वेश्चन क्या है कि ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले ली और इसके अंदर मैंने अब एक क्लोज लूप रख दिया, ये क्लोज लूप रख दिया एक स्क्वायर फॉर्म में। भैया ध्यान देना, आगे यही हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा किसी एक दूसरे उसका टॉपिक का। ये मैंने क्लोज लूप रख दिया, ये हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट की कोई भी डायरेक्शन ले लो। सपोज मैंने कहा करंट फ्लो कर रहा है मेरे पास इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्लोज लूप? भाई वेरी गुड, ये तो हमने अभी पढ़ी लिया कि यार क्लोज लूप भी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो नेट फोर्स जीरो लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सारे, ये पूरा ये क्लोज लूप है, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ रहा हूं। मतलब ये वायर वन अज्यूम करो, ये वायर टू अज्यूम करो, ये वायर थ्री और ये वायर फोर। तो अब मेरे को बताओ वायर वन पे कितना फोर्स लग रहा है, वायर टू पे कौन सा फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन बताओ, चेक करो। वायर वन पे अपवर्ड भाई, क्या मेरा जो क्वेश्चन है वो सबको समझ में आया कि मैंने अब इस क्लोज लूप को तोड़ दिया, मैंने चार अलग अलग वायर्स ले लिए, एक में करंट ऊपर की तरफ, एक में करंट नीचे की तरफ, एक में करंट राइट, एक में करंट लेफ्ट। तो आपको बताना है इन चारों पे जो फोर्स लगेगा वो कौन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले वायर टू और वायर फोर का बता दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इजी है। वेरी गुड भैया, वायर टू पे फोर्स लगेगा जीरो, वायर फोर पे भी फोर्स कितना लगेगा? जीरो लगेगा, बिकॉज पैरेलल और एंटी पैरेलल आ रहे हैं। लेकिन वायर वन के साथ क्या हो रहा है भैया? वायर वन पे फोर्स लगेगा,
राइट right? इनटू और द वायर फील्ड। वन पे फोर्स कहाँ लगेगा? इनवर्ड्स। अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था। फिर दूसरे वाली मतलब थर्ड वाली वायर में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो ओपोजिट जाएगी, आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो यार एक चीज याद रखो, हमने कॉन्सेप्ट को कैसे ब्रेक डाउन किया है भाई। अगर क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस क्लोज लूप, तो वो जीरो है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं हर एक इंडिविजुअल वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हर एक इंडिविजुअल वायर पे फोर्स जीरो नहीं लग रहा, हर एक इंडिविजुअल वायर पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। अब आपको इस तरीके से इमेजिन करना है कि भैया ये मेरा जो सेलफोन है दैट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, तो यही क्लोज लूप मैंने इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ये मेरी वायर वन, ये वायर टू, सिमिलरली ये वायर थ्री और नीचे वाली वायर फोर हो गई। तो मैंने क्या देखा, ऊपर वाली वायर में और नीचे वाली वायर में कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन इस वाली वायर में और इस वाली वायर में फोर्स लग रहा है। और फोर्स लग किस तरीके से रहा है? फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं। फोर्स इक्वल क्यों लगेंगे? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। याद है कल ही बताया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी तो हमारे पास जो हर एक पॉइंट पे फोर्स आएगा वो कैसा होगा? सेम होगा। तो यार इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है लेकिन वो अंदर की तरफ लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम लग रहा है लेकिन बाहर की तरफ लग रहा है। तो मेरे पास दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ रहे हैं। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आएंगे तो नेट फोर्स कितना बन जाएगा हमारे पास? नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? यस सर, आ गया। अब यार देखो यही डायग्राम और यही कॉन्सेप्ट हमारे नेक्स्ट टॉपिक का है जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो आप देखोगे कि आपको अब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है गैल्वेनोमीटर पढ़ने में, सिंपल हो गई है चीजें। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है भैया? यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट का एक पोल होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे मैग्नेट का हमारे पास एक दूसरा पोल होता है साउथ पोल। तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल फ्लो करती है। तो भैया ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड जिसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? वो यूनिफॉर्म बनेगी। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी आर्म्स पे फोर्स लगेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। चलो फिर से बता दो एक लास्ट बार, फिर अपने कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ जाएंगे। तो यार ये तो चीजें क्लियर हो गई ना कि ऊपर वाले पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, नीचे वाले पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर कमिंग पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। इस वाले वायर वन पे फोर्स लगेगा और इस वायर वन में फोर्स कहां लगेगा? इनवर्ड्स। वेयरस वायर, ये वाली जो नेक्स्ट वायर है इस पे फोर्स कहां लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड्स। तो भैया नेट फोर्स अगर जीरो है, तो यार ये भी आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या ये मेरा जो ये लूप है ये कोई भी लीनियर मूवमेंट करेगा क्या? नहीं सर, ये कोई लीनियर मूवमेंट नहीं करेगा। मतलब अगर ये मेरा लूप था तो ये मेरा लूप कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज जो भी इस पे फोर्सेज लग रहे हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहे हैं, तो देर विल बी नो लीनियर मूवमेंट। लेकिन भैया मुझे बताओ क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इस केस में सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि क्या दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे हैं या अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं? अलग अलग पॉइंट पे लग रहे हैं। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट पे नहीं लग रहे। जैसे पेन को अज्यूम कर लो, एक बंदा फोर्स इधर से लगा रहा है, एक बंदा फोर्स इधर से लगा रहा है, तो ये भले ही लीनियर मूव ना करे लेकिन ये फिर क्या करने लगेगा? रोटेशन, ये रोटेट करने लगेगा। तो भैया बस यही तो हमें पढ़ना था कि यार जब भी कोई एक क्लोज लूप में रखूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो भले ही उस पे नेट फोर्स जीरो लगे लेकिन उसके ऊपर टॉर्क जरूर लगेगा, टॉर्क जरूर लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर मैं मैग्नेटिक फोर्स लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखूंगा, तो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। हमें इंटरमीडिएट स्टेप से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला लिखूंगा। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, जिसको याद करना बहुत आसान है। क्या आसान है? करंट जितना इसमें फ्लो कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें आपने इसको प्लेस किया, इनटू एरिया। एरिया किसका? इस क्लोज लूप का एरिया। ये मैंने क्लोज लूप में अभी कितने टर्न्स बनाए हैं? एक सिंगल टर्न बनाया है। लेकिन सपोज मैं अलग अलग बार बार टर्न्स बना दूं, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को?
एन नंबर ऑफ टर्न्स. तो याद रखना आसान क्यों है, क्योंकि भैया टॉर्क इज इक्वल्स टू, याद रखने का तरीका निब्बा, निब्बा एंड निब्बीस, तो वैसा निब्बा. डन डन डन. यस डन. तो भैया अगर मैं आपको कभी भी बोलूं कि हमारे पास एक क्लोज लूप है, तो क्या उस पर कोई टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा, वो आपको चेक करना पड़ेगा. नेट फोर्स भले जीरो, लेकिन टॉर्क देखना पड़ेगा. तो ये टॉर्क का, हाँ बोलो, डायरेक्शन टॉर्क की. यस सर, अभी वो भी बता देता हूँ टॉर्क के डायरेक्शन. उसके बाद याद रखना, अभी फिलहाल इस चैप्टर में तो हम यही वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एन आई बी ए. जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है, विच इज एम बी साइन थीटा. जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में था पीई साइन थीटा, तो इधर पीई साइन थीटा की जगह एम बी साइन थीटा. जहां पे आप मेरे को दोनों फॉर्मूले को इक्वेट करके बता सकते हो कि एम का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके. भैया दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करके बताओ एम का फॉर्मूला क्या होगा. अरे बी एज इट इज आ गया एन आई ए, और इस एम को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता था, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. इसके बारे में अभी फिलहाल डिटेलिंग में बात नहीं कर रहे हैं, इस नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे. बस अभी सिर्फ इतनी चीजें बता दी है मैंने. साइन थीटा भी तो आएगा नहीं. अरे साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट में चले गया ना, एम क्रॉस बी. साइन थीटा तो बस एंगल बता रहा है कि डाइपोल मूवमेंट और बी के बीच में कितना एंगल है. काव्य डाउट है? नो सर. डन. अब काव्य तुमने पूछा टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो यार टॉर्क के डायरेक्शन बस सीधे सीधे याद रखना, जिस करंट में, मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड थंब रूल लगा दो, जिस डायरेक्शन में आपका थंब जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी. क्या ये वाली बातें भी क्लियर है? जैसे इधर करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने अपनी फिंगर घुमाई क्लॉकवाइज, मेरा थंब किधर आ रहा है? इनटू द प्लेन. तो इधर टॉर्क किधर होगा? इनटू द प्लेन, मतलब माइनस के कैप. ओके सर. भैया चेक कर लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ फिर इस पे. क्वेश्चन क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलो तो क्वेश्चन पे आ जाओ. जो क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है वही क्वेश्चन वापस से पकड़ो. कि यार ये मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली, और इसके अंदर मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग रख दी है. फिर से वही सब कि करंट फ्लो कर रहा है ए से लेके बी तक, मैग्नेटिक फील्ड बी. तो आपको क्या क्या बताना है अब की बार, फर्स्ट पार्ट कि भैया इस पे बताओ नेट फोर्स कितना लगेगा, दूसरा पार्ट आपको बताना है कि भैया क्या इस पे टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा, और अगर टॉर्क लग रहा है तो कितना टॉर्क लग रहा है, आपको ये बताना है. तो समझाना चालू करूं? डन. देखो यार आपको ये भी पता होगा कि एक सर्कल फॉर्म कैसे होता है, हाउ टू फॉर्म अ सर्कल. भैया जब हम बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन कर देते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन करते करते हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा. तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दो. आप क्या करो, ये जो मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, ये तो आपको पता ही है ना कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा. ये तो अभी हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, क्योंकि नेट फोर्स जीरो कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने लेंथ का इंटीग्रेशन कर लिया था, और लेंथ का इंटीग्रेशन हमने देख लिया था कि एंगल कितना आ रहा है, एंगल आ रहा है जीरो डिग्री. ये तो आपने चेक कर लिया. अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसको जरा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो. भाई क्वेश्चन ध्यान दे लेना, नहीं समझ में आया तो प्लीज बोल देना, ऐसा नहीं है कि डाउट पेंडिंग में छोड़ दो. ऐसे मैंने सेमी सर्कुलर रिंग को तीन पार्ट्स में तोड़ दिया. तो मैं कह रहा हूँ इस वाले पार्ट में करंट फ्लो कर रहा होगा अपवर्ड्स, इस वाले पार्ट में करंट फ्लो कर रहा होगा राइट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट में करंट फ्लो कर रहा होगा डाउनवर्ड्स. तो आप मेरे को ये बताओ फर्स्ट वाले पार्ट में फोर्स किधर लग रहा होगा, सेकेंड वाले पार्ट में फोर्स किधर लग रहा होगा, और थर्ड वाले पार्ट में फोर्स किधर लग रहा होगा. तो भैया फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास जो फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्ड्स लग रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर की तरफ है, इनवर्ड्स आएगा. सेकेंड वाले पार्ट के लिए अगर मैं पूछूं फोर्स किधर लग रहा होगा, जीरो. थर्ड वाले पार्ट के लिए अगर आपसे पूछूं फोर्स किधर लग रहा होगा, तो भैया फोर्स लग रहा होगा आउटवर्ड. तो यार आप खुद से देखो फिर से, क्या ये वही सेम सिचुएशन नहीं बन गई कि इस पे फोर्स लग रहा है इनवर्ड्स, इस वाले पे फोर्स लग रहा है आउटवर्ड्स, तो क्या इस पे टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर. इस पे टॉर्क लगेगा. तो अब डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला क्या था,
भैया टॉर्क का फॉर्मूला था निब्बा, तो अब निब्बे में सारी वैल्यूज डाल दो और मेरे को बता दो क्या आंसर आएगा। भैया आई एज इट इज करंट की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज बी, मेरे को बताओ इसका एरिया कितना लिखूं, सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया कितना लिखूं, रेडियस अगर आर गिवन है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखूं, वन या हाफ, वन वन। अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं आप भी वही गलती मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, वो कहते हैं सर सेमी सर्कुलर को हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ सर्कल, तो सेमी सर्कुलर में हम एन की वैल्यू हाफ ले लेते हैं, उससे भी आंसर सही आता है। लेकिन जब आपने एन की वैल्यू हाफ ले ली तो फिर आप एरिया में उसका हाफ नहीं लोगे, जब आपने ऑलरेडी एन का मतलब हाफ मतलब सेमी सर्कल कंसिडर कर लिया तो फिर एरिया में सेमी सर्कल को कंसिडर कर रहे हो, या तो एरिया में हाफ लो या फिर किसमें हाफ लो, नंबर ऑफ टर्न्स में लो, दोनों में हाफ हाफ मत लिख देना फिर गलत हो जाएगा। अर्पना माइक म्यूट। तो अगर आपने एरिया में हाफ ले लिया है तो प्लीज नंबर ऑफ टर्न्स में हाफ मत ले लेना, तो यही फाइनल फॉर्मूला है, फाइनल आंसर है टॉर्क का। चेक करो कोई डाउट है तो पूछ लो। डन, इसको कंप्लीट करो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो आपको अपने आप ट्राई करने हैं, आपको टॉर्क और नेट फोर्स वगैरह बताना है। डन डन डन। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर पिछला वाला हो ही गया है तो इस वाले में तो मेरे को लग ही नहीं रहा कोई दिक्कत आएगी। कि भैया अब की बार मैंने क्या कर दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर लूप रख दिया, इस सर्कुलर लूप का रेडियस ले लो कुछ भी, सपोज इसका रेडियस मैंने ए दिया है, करंट की डायरेक्शन भी मैंने अज्यूम कर ली कि भैया जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो फिर से आपको क्या क्या बताना है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एंड व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस, अगर टॉर्क लग रहा है या नहीं लग रहा उसके हिसाब से चेक करके बताना है। शबी फर्स्ट पार्ट का सही, काव्य फर्स्ट पार्ट का सही, सही है भैया। वंदना गोड फर्स्ट पार्ट का सही है। भाई रिस्पॉन्ड काफी कम चल रहा है, फटाफट लोग आंसर दो। नीरज प्रकुल, मैंने दोनों पार्ट का साथ में किया था। हाँ तुम्हारे तो काफी मिल गया, दोनों का आंसर सही है। यस सर। कौशिक बिल्कुल सही, शबी आपका भी आंसर सही है सब कुछ। हरमनजीत, हर्ष, हर्षिता, अंजलि, अमन, भाई काफी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, करो। सुजल, चलो भैया हर्ष बिल्कुल सही है, डन रही आपका भी सही है। चलो भाई डिस्कस कर लेते हैं, यार हमें पता है कि ये क्लोज लूप है तो डीएल वेक्टर हमारे पास जीरो आएगा, तो हमारे पास जो फोर्स आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी जीरो आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो सबने ही भेजा मोस्टली, और मतलब सबने ही सही भेजा जितने भी भेजा। अब आते हैं टॉर्क पे कि भैया इस पे टॉर्क लगेगा या नहीं लगेगा, तो फिर से क्या करोगे, इसको भैया कुछ ना कुछ इस तरीके से चार सेगमेंट्स में तोड़ दोगे, तो जब आप इसको चार सेगमेंट्स में तोड़ दोगे तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर लूप की तरह एक्ट करेगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस वाले में कोई फोर्स नहीं, इस वाले में कोई फोर्स नहीं, लेकिन इस वाले में फोर्स इनवर्ड्स, इस वाले में फोर्स आउटवर्ड्स, तो टॉर्क लगेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला फिर से वही, एन आई बी ए, नंबर ऑफ टर्न्स वन, करंट की वैल्यू आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, और अब की बार एरिया कितना हो रहा है, पाई ए स्क्वायर हो रहा है। सब लोग चेक कर लो सबको आंसर क्लियर है या नहीं,
किसी किसी के यस न्यूमरेटर में सर। टू आ रहा है, मेरे को बताओ टू क्यों आ रहा है? रिया जैसे आपके में न्यूमरेटर, अच्छा आपने सेकंड लिखा है, मेरे को लगा आपने ये टू लिखा हुआ है। ठीक है फिर तो डन डन डन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं? यस चलो डन सर। भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को और बताएंगे कि भैया आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये है हमारा एडवांस का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चन ने कहा कि भैया ये हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास आई। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया, इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है, चाहे दोनों में सेम ले लो या अलग ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं फिलहाल के लिए सेम ले लेता हूँ कि भैया इसमें करंट फ्लो कर रहा है सेम, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई। ये वायर पी क्यू आर एस, आपको बताना है कि इस जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके साथ क्या क्या होगा। भैया ऑप्शंस दे रहा हूं यहाँ पे, चेक करो। फर्स्ट ऑप्शन कि भैया दिस वायर विल स्टार्ट रोटेट। सेकेंड ऑप्शन, दिस वायर विल मूव अवे। किसके अवे मूव करेगी? इस इनफाइनाइट वायर के, मूव अवे फ्रॉम इनफाइनाइट वायर। ऑप्शन थर्ड, मूव क्लोजर टू द इनफाइनाइट वायर। और लास्ट ऑप्शन कि भैया इट विल रिमेन स्टेशनरी। चलो चेक करो। क्वेश्चन ये रहा, ऑप्शंस आपको पता ही चल गए होंगे। ऑप्शन फर्स्ट वाला था कि ये वायर रोटेट करेगी, सेकंड ऑप्शन था कि ये इस इनफाइनाइट वायर से दूर जाएगी, थर्ड ऑप्शन पास आएगी, और लास्ट ऑप्शन कि भैया इसके साथ कुछ नहीं होगा, ना तो ये लीनियर मूव करेगी ना तो ये टॉर्क दिखाएगी, कुछ भी नहीं होगा। भैया रिस्पॉन्स रेट बहुत कम चल रहा है, रिस्पॉन्ड सर करो। एक बार वो कराना कि ऑप्शन ऑप्शंस कौन कौन से थे। ये लो, ऑप्शंस पोल कंडक्ट कर दिया है मैंने, पोल में आंसर मार्क कर दो। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफी बच्चों को कंफ्यूजन है 20 वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही आंसर रेट चल रहा है। और एक तो भाई थोड़ा काफी बच्चे रिस्पॉन्ड करो, अब तक 50% बच्चों ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, आप कर दिया 50% बच्चों ने। लास्ट 10 सेकेंड्स, चलो भैया दैट्स इट। मेजॉरिटी आंसर्स क्या बताऊं, सबका ऑलमोस्ट सेम चल रहा है कि भैया ए 8 लोगों ने, बी 9 लोगों ने, सी 5 लोगों ने, डी 9 लोगों ने। चलो भैया वो डिस्कस करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज कि भैया मेरे को बताओ, अगर ये एक स्ट्रेट वायर है तो इसके राइट हैंड साइड मैं अगर कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ, चाहे यहाँ लू चाहे यहाँ लू चाहे यहाँ लू, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड्स? इनटू द प्लेन। वेरी गुड भाई, हमें पता है कि जब भी एक स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर इस वायर के राइट हैंड साइड कोई भी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मार्क कर लेता हूँ कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इस तरीके से है। चेक करो यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज यार क्या करो, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपको दिख रहा है कि भैया मैंने 4 वायर्स रखी हैं जिन पे करंट फ्लो कर रहा है, तो इन 4ों वायर्स पे पता करो फोर्स कौन कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा, वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4। तो यार अगर मैं वायर 1 पे देखूं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो जो मेरा फोर्स लगेगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। भैया चेक कर लेना किसी को डाउट हो तो, डायरेक्शन में फोर्स 1 इधर। सेकेंड वाले में अगर मैं देखूं मैग्नेटिक फील्ड अंदर,
करंट की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। थर्ड वाले में फोर्स किधर लग रहा है? राइट हैंड साइड। फोर्थ वाले में फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। पहले सब फोर्स की डायरेक्शन चेक करो और मुझे बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो। बढ़िया, अब मुझे बताओ इन चारों में से कौन कौन से फोर्स इक्वल हैं और कौन कौन से फोर्स अनइक्वल हैं। F2 और F4 इक्वल और F1 और F3 अनइक्वल। भाई वेरी गुड, F2 और F4 इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि भैया सपोज इसने जितनी लाइंस क्रॉस करी हैं सेकेंड वाली वायर ने, उतनी ही लाइन क्रॉस मेरी फोर्थ वाली वायर ने भी करी है, तो भैया दोनों के लिए हमारे पास जो फोर्स आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट आएगा। तो याद रखो भैया F2 और F4 इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो अगर F2 और F4 इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इन दोनों फोर्स को तो काट दो। अब बचा F1 और F3 को देखना। तो यार मुझे पता है इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। तो भैया वायर वन के लिए डिस्टेंस कम है, चेक करो वायर वन के लिए डिस्टेंस कम है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। वायर थ्री के लिए डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी? कम। तो भैया बी वन की वैल्यू ज्यादा है बी थ्री से, तो एफ वन की वैल्यू ज्यादा होगी एफ थ्री से। तो एफ वन और एफ थ्री दोनों के अब फोर्स देखने का तरीका भी देखो, यार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे आज ज्यादा। तो भैया इधर क्या एफ वन और एफ थ्री इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स लग रहे हैं या लेफ्ट और राइट लग रहे हैं? लेफ्ट और राइट। तो एक चीज सोचो, अगर इनवर्ड्स और आउटवर्ड फोर्स लगता तो ये चीज रोटेट करती, क्योंकि इनवर्ड्स और आउटवर्ड इसको रोटेट करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, एक बंदा इधर से एक बंदा इधर से, तो ये रोटेट करेगा या फिर कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश करेगा? भैया ये तो कहीं ना कहीं मूव करने की कोशिश करेगा। और मेरा एफ वन बड़ा है तो डेफिनेटली ये एफ वन की साइड जाएगा। तो जो ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है, भैया पहली बात तो पता चल गई कि ये रोटेट तो नहीं कर रहा क्योंकि इनवर्ड्स और आउटवर्ड फोर्स नहीं लग रहे। ये स्टेशनरी भी नहीं रहेगा क्योंकि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं आ रहे। तो मेरे को बता दो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? मूव क्लोज टू द इनफाइनाइट वायर। चलो करो इसे खत्म। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना कि हाँ सर डाउट आया या नहीं आया। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ चलूं कॉन्सेप्ट पे? यस सर। चलो भैया डन, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। पैरेलल वायर्स। अब हमने क्या किया, हमने दो वायर्स ली हैं, सपोज इनफाइनाइट वायर्स ले लो। ये मैंने दो इनफाइनाइट वायर्स ली हैं, इसमें करंट फ्लो कर रहा है सपोज आई वन, दिस इज वायर वन। ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई टू, सपोज दिस इज वायर टू। तो हमें पता करना है कि भैया जब हम दो करंट कैरिंग वायर्स को पास में ले आते हैं तो इन दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहले तो लॉजिकल बताता हूँ, थ्योरिटिकल। भैया अगर ये पहली वाली वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली ये मेरे पास दूसरी वायर भी है, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यार आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हैं, तो ये आपस में क्या करेंगी? ये आपस में इंटरैक्ट करके कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेंगी। तो यही हमारा टारगेट भी है इस टॉपिक में, कि भैया हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इन दो वायर्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तो वो फोर्स कितना आएगा, ऊपर से वो फोर्स का नेचर कैसा होगा, क्या वो उन फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या उन फोर्स का नेचर रिपल्सिव होगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस सर। डन। चलो आओ तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करो, सेकंड वाली वायर को भूल ही जाओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉइंट मान लो, पॉइंट पी। मेरे को बताओ पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इस डिस्टेंस को मैं डी मान रहा हूँ तो। इस डिस्टेंस को अगर मैं डी मान रहा हूँ तो अब बताओ। तो भैया बहुत बढ़िया, और फॉर्मूला भी आपको पता है, म्यू नॉट आई वन एंड डिवाइडेड बाय टू पाई डी, और ये डायरेक्शन होगी इन टू द प्लेन। तो मैंने क्रॉस ड्रॉ कर दिया।
अब मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे पास ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही मैंने ये वायर रखी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, मेरे पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है जो इनवर्ड्स आ रही है, और इस इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो क्या कह सकता हूँ कि इसके ऊपर भैया फोर्स लगेगा? फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? वायर टू पे। किसकी वजह से लग रहा है? वायर वन की वजह से। तो मेरे को बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? भैया इसका फॉर्मूला होगा आई टू, जो करंट वायर में फ्लो कर रहा था, आई टू इंटू इसकी लेंथ एल टू, और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाई है? मैग्नेटिक फील्ड बी वन ने बनाई है। तो जरा ये सारी वैल्यूज रख के मेरे को बताओ फाइनल फॉर्मूला कितना आ रहा है? सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस बी वन वगैरह के, और मेरे को बताओ फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है? तो भैया फाइनल फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू एल टू डिवाइडेड बाय टू पाई डी। चेक कर लो पहले, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। डन। अब इस फोर्स की अगर आप डायरेक्शन देखो अपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट ऊपर, तो आपको दिखेगा कि भैया जो ये फोर्स लगा ये लेफ्ट हैंड साइड लगा। ये मैंने सारी बातें कर दी वायर वन की वजह से। अब जस्ट इसका उल्टा कर दो, जस्ट इसका उल्टा, कि भैया अब की बार अज्यूम करो कि वायर वन थी ही नहीं, वायर टू थी, और इसने पॉइंट क्यू पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। तो मेरे को बताओ पॉइंट क्यू पे वायर टू ने मैग्नेटिक फील्ड जो बनाई होगी उसकी डायरेक्शन क्या आएगी और क्या वैल्यू लिखूं? आउट ऑफ आउटपुट। वेरी गुड। तो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई टू डिवाइडेड बाय टू पाई डी, और ये डायरेक्शन आ रही है आउट ऑफ द प्लेन। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक वायर रख दी है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो भैया मतलब इस पे भी तो फोर्स लगेगा क्योंकि ये भी तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है करंट कैरिंग वायर। तो मेरे को बताओ इस पे फोर्स जो मैं कैलकुलेट करूंगा एफ वन टू, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, क्या लिखूं? चलो देख के बताओ। वेरी गुड। और बी टू, तो जब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो मेरे पास आएगा म्यू नॉट आई वन आई टू एल वन डिवाइडेड बाय टू पाई डी। अब मेरे को बताओ ये वायर मैंने इन्फानाइट वायर कही थी ना, जब ये मैंने इन्फानाइट वायर कही है तो मतलब इन दोनों की जो लेंथ है वो अज्यूम नहीं की जाएगी, लेंथ कैंसल आउट हो जाएगी। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो जब आप फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करोगे तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई डी, क्योंकि लेंथ हमारी कैंसल आउट हो गई है। सिमिलरली इधर भी लेंथ कैंसल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बचेगा? म्यू वन आई टू बाय टू पाई डी। तो मेरे को बताओ दोनों केसेस में क्या वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही है? दोनों वैल्यू सेम आ रही है। और अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो सबसे पहली चीज तो क्या पता चल गई, सबसे पहली चीज यहां पे लिख देता हूं क्या क्या कॉन्क्लूजन हमें मिले। सबसे पहली चीज तो मेरे को यह पता चली कि भैया एफ वन टू और एफ टू वन दोनों इक्वल हैं। साथ के साथ क्या पता चला, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है, अपोजिट है। तो क्या हम इसको एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं? Yes, sir. तो याद रखो अगर दो वायर्स पे फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, अगर दो पैरेलल वायर्स है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी। और वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी? वो अट्रैक्ट करेंगी। और यही कॉन्सेप्ट आप इस वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे कि इस वाली वायर और इस वाली वायर में दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। तो इसलिए इसका फोर्स इस वायर की तरफ लगेगा। सिमिलरली इस वाली वायर और इस वाली वायर में फोर्स मतलब जो करंट है वो एंटी पैरेलल जा रहा है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो ना कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्ट, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या करेगा? रिपेल। तो इसलिए फोर्स इधर दूर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये वायर है वो क्या करेगी? वो अट्रैक्ट ही करेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ यार, कभी आपने नोटिस किया होगा हाई एक्सटेंशन जो वायर्स होती हैं हाईवेज वगैरह के ऊपर होती हैं, हाई एक्सटेंशन वायर्स के बीच में हम हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई एक रॉड सी फिक्स करके रखते हैं, इस टाइप की कुछ एक रॉड होती है फिक्स। क्या कभी ये नोटिस किया है? यस सर। भैया
यूजली हमारे लोकल एरियाज में नहीं मिलता इतना, लेकिन जब आप हाईवेज वगैरह पे जाओगे तो जो बहुत सारी एक्सटेंशन वायर्स जाती हैं तो उनके बीच में हमेशा एक ऐसी रॉड डाल दी जाती है, ऐसा क्यों कर रखा होता है? एक दूसरे की तरफ ना आ जाए वो. वेरी गुड, क्योंकि यार इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी तो दोनों वायर ज्वाइन हो गई तो फिर तो हो लिया काम. तो इन दोनों को इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कि भैया ये दोनों मर्ज ना कर जाएं, बीच में इस तरीके की हम कुछ ना कुछ पार्टीशन रॉड लगा देते हैं. क्लियर हो गया? यस सर. डन. तो आ जाओ भैया आप कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाले पार्ट पे. आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, आ जाओ क्वेश्चंस पे. नेक्स्ट स्लाइड से कर देता हूँ. चलो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन की भावनाएं समझना. ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटिव टाइप का क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है कि ये हमारे पास दो फिक्स्ड रेल्स हैं, इन रेल्स के साथ कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये हमारे पास फिक्स्ड रेल्स हैं. इन रेल्स को मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इस तरीके से. तो हमें पता है करंट यहां से फ्लो करेगा. इस रेल्स के ऊपर मैंने एक मूवेबल वायर रख दी है कि भैया ये वायर आराम से स्लाइड कर सकती है इसके ऊपर. इन दोनों के बीच का सेपरेशन गिवन है y. इस वायर का जो मास है हमें वो गिवन है कि वायर का मास है हमारे पास m. तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ. क्वेश्चन क्या है, सपोज ये जो दो मेरी फिंगर्स हैं, इन दो फिंगर्स को पैरेलल अज्यूम कर लेना कि ये दो फिंगर्स मेरी ये फिक्स्ड रेल्स हैं, डार्क येलो लाइंस. इनके ऊपर मैंने ये वायर रख दिया व्हाइट कलर की, तो ये वायर ऐसे स्लाइड कर सकती है. चेक करो क्या ये सिचुएशन समझ में आई. यस डन. तो भैया ये फिक्स्ड रेल्स ही, ये वायर ऐसे स्लाइड कर सकती है. मैंने करंट फ्लो कराया है आई, वायर का मास दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है, दैट इज वाई. आपको क्या बताना है फर्स्ट पार्ट भैया, फर्स्ट पार्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. क्वेश्चन लिखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच द वायर डज नॉट स्लाइड्स, वायर प्रिवेंट्स फ्रॉम स्लाइडिंग. पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो फिर सेकंड पार्ट दूंगा. पहले कंप्लीट कर लो फर्स्ट पार्ट. ये पूरा सेटअप हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड तो देना ही भूल गया. ये पूरा सेटअप हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है आउटवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लो बी, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, दैट इज बी. चलो अब ट्राई टू कैलकुलेट. अपने फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे, रिपीट करना. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये वायर स्लाइड ना करे, ये वायर जहां है वहीं रहे, स्टेशनरी रहे. ओके थोड़ा सा लॉजिक है बस, इजी क्वेश्चन है ये, ऐसा कुछ नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. सब लोग ट्राई करो, एक और एक मिनट दे दो मेरे को, आई विल ड्रिंक सम वाटर.
क्या वो भाई किसी का आंसर नहीं आया? क्या बात है काव्य भाई, बिल्कुल सही फॉर्म में चल रहे हो। मैंने ऐसा सुन था कि टेबल के ऊपर रखा हो यार। लवप्रीत पहले चेक करके बताओ क्वेश्चन क्लियर है। इसे एक बार रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करना है लवप्रीत। मैंने क्वेश्चन बोला कि सपोज ये दो मेरे पास फिक्स रेल्स है जो मूव नहीं कर सकती, इस तरीके से पैरेलल है, इसके ऊपर मैंने वायर रखा हुआ है और ये वायर मूव कर सकती है, ठीक है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और पूरे सर्किट में करंट फ्लो करा दिया। इस वायर का मास वगैरह सब कुछ गिवन है और मैंने बोल रखा है कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो आपको बताना है कि इस वायर का जो फ्रिक्शन लगेगा उसका कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम कितना होना चाहिए जिससे ये वायर कहीं पे भी स्लाइड ना करे। यस सर, ओके सर। डन, चलो ट्राई कर लो एक और बार, नहीं तो फिर डिस्कस करते ही हैं, या नहीं तो टाइम हो जाएगा। चलो लेट्स डिस्कस। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये वायर स्लाइड कर भी रही है या नहीं कर रही, क्योंकि अगर वायर स्लाइड ही नहीं कर रही होगी तो फिर मेरे को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया वायर को स्टेशनरी रहना है तो फिर मेरे को अपना दिमाग लगाना ही नहीं। तो भैया एक चीज देखो, हमें ये बैटरी वगैरह क्यों गिवन है? बैटरी वगैरह गिवन इसलिए है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो करता करता नीचे आएगा इस वायर में और फिर इस तरीके से फ्लो करता हुआ वापस चले जाएगा। पहले यहां तक चेक करो, यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? यस डन। अब अगर आप देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो भैया इस वायर पे फोर्स लगेगा। चेक करके बताओ इस वायर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, खुद की तरफ? सर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट नीचे की तरफ है। तो अगर आप कैलकुलेट करो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। सब लोग जरा चेक कर लो और मेरे को बताओ डायरेक्शन क्लियर है या नहीं। डन। तो यार अगर इस वायर को मैं फ्री छोड़ दूं, मतलब सपोज कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये वायर अपने आप लेफ्ट हैंड साइड स्लाइड करेगी ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन मेरे को इस वायर को स्लाइड होने से रोकना है, तो अगर वायर को स्लाइड होने से रोकना है तो इसके जस्ट इस पॉइंट से फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे? एफ, अभी फिलहाल उसको एफ मान लो। तो क्या भाई ये लिख सकता हूं मैं फर्स्ट पार्ट कि फॉर नो स्लाइडिंग हमारे ये दोनों फोर्सेस कैसे होने चाहिए? हमारे ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। तो मैं लिख देता हूं एफ एम का फॉर्मूला। एफ एम का फॉर्मूला आई इनटू लेंथ। मेरे को बताओ इस वायर की लेंथ कितनी लूम है? वाई, जितना इन दोनों के बीच में सेपरेशन है। एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी? पहले यहां तक चेक करके बताओ, कोई दिक्कत है तो पूछो भाई, किसी ने कुछ नहीं बोला, नो डाउट। डन। अब आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला। भैया फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, जहां पे ये एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी है, ये एन क्या है? नॉर्मल फोर्स है। तो ये हो जाएगा आई वाई बी। न्यू की वैल्यू निकालनी है लेकिन मेरे को एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू कितनी होगी? अब चीजों को समझो, ये फिक्स रेल्स थी और ये वायर मैंने इस तरीके से अपने फिंगर्स के ऊपर रखा हुआ है। तो मेरे को बताओ क्या आपको ये पूरी वायर दिखाई दे रही है या वायर का सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई दे रहा है, सर्कल पार्ट दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, आपको वायर का सिर्फ सर्कल पार्ट दिखाई देगा। तो मतलब आप चाहते तो इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि भैया ये मेरी एक वायर रखी हुई है जिसका मास m है। तो आपको ये तो भैया मैंने ही पढ़ाया है लॉस ऑफ मोशन में, नीचे लग रहा होगा mg और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स। तो अब की बार नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg के बराबर होगी। तो बस यही वैल्यू पीछे सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर आ गया। भैया एन की जगह लिखूंगा एम जी, मेरे को न्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हो जाएगा आई वाई बी बाय एम जी। दिस इज द फाइनल आंसर। सब लोग चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। डन सर। डन डन आ डन कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे? यस सर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ये जेई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भावनाएं देखें क्या हैं कि यार हमारे पास एक वायर है इन अ फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर आर्क, ये आर्क है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है सेंटर पे और हमें इसका रेडियस वगैरह गिवन है कि सपोज रेडियस है आर, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू और करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है दैट इज आई। भैया इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, हमें ये एंगल की वैल्यू गिवन है। ओहो ये तो लाइन ही नहीं बन रही है सही से, यहां से बना देते हैं कि भैया ये एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ थीटा। चेक करो पहले अब क्वेश्चन यहां तक का क्लियर है या नहीं। डन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं भैया, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास वायर है सेमी सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है, इस सेमी सर्कुलर आर्क के हमें रेडियस गिवन है दैट इज आर, एंगल सेंटर पे ये हाफ सर्कल हाफ एंगल कितना बनाया थीटा बनाया। अब इस पूरी वायर को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, आपको कैलकुलेट करके देना है टेंशन फोर्स इन दी वायर, टेंशन फोर्स इन दी वायर। क्या कह रहे हो सर, क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया, सर से ऊपर चले गया। भैया क्वेश्चन रिपीट करना है ये समझ में आगे, कम से कम पहले इतना ही बता दो, रिपीट करना है ठीक है। इसको इस तरीके से लेते हैं, जैसे आ जाओ भैया दिखाते हैं स्क्रीन पे। यार मैंने क्या किया, ये मेरा पॉइंट पी है जो ये वाली फिंगर है और ये वाला पॉइंट है मेरे पास क्यू, इस पॉइंट पी और क्यू के बीच में मैंने ये वायर रख दी है ठीक है, ये वायर सेमी सर्कुलर आर्क बना रही है, इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस वगैरह आपको सब कुछ गिवन है, कितना रेडियस है सेमी सर्कुलर आर्क का आर, और ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, सेंटर पे कितना एंगल बनाया है इसने, हाफ एंगल गिवन है, पूरा एंगल नहीं गिवन, हाफ एंगल गिवन है थीटा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा टू थीटा। अब यार इस वायर में ना करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, पी से लेके क्यू तक, मतलब इस वाली फिंगर से लेके इस वाली फिंगर तक, और इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो आपको ये तो पता ही है ना कि भैया अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं इस वायर को रख रहा हूँ जिसमें करंट फ्लो कर रहा हूँ तो भैया इस पे फोर्स लगेगा। Yes, sir. तो सबसे पहले तो मेरे को यही बता दो कि इस पे भैया फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले बस इतना ही बता दो कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, पहले तो इतना ही बता दो। तो मेरे को बताओ क्या ये मेरे को सेमी सर्कुलर आर्क लेना है या इसका डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो भैया ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो आपकी मैग्नेटिक फील्ड में एक स्ट्रेट वायर मिल गई है जिसमें करंट पी से लेके क्यू तक जा रहा है, भैया कम से कम अब तो फोर्स बता दोगे कि ये स्ट्रेट वायर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो बताओ इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड। भैया बहुत बढ़िया, सब लोग पहले यहां तक चेक कर लो भैया मेरी मेहनत, बता दो कि मैं को जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं इतनी देर से वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। डन yes. तो यार ये तो बस एक तरीका है निकालने का कि ये डिस्प्लेसमेंट वगैरह ले लिया, तो भैया मैं कहूंगा इस वायर पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है एफ। अब भैया आ जाओ वापस से मेरे जो डायग्राम पे, मैं आपको जो इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि यार ये मेरे पास वायर थी सेमी सर्कुलर आर्क में और ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी थी, तो इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ एफ। तो यार जब ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है ना एफ, तो ये फोर्स क्या करेगा, इस वायर को स्ट्रेच करेगा, इस वायर को स्ट्रेच करेगा, तो मतलब इस वायर में क्या लगना शुरू हो जाएगा, टेंशन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर फोर्स नीचे लगता तो ये वायर की तरफ फोर्स नीचे लगता तो ये वायर को खींचने की कोशिश करता। अब मैं ज्यादा जोर से नहीं दिखाऊंगा नहीं तो मेरी हेडफोन की वायर टूट जाएगी। तो भैया इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो मतलब ये वायर स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, तो इस पर टेंशन फोर्स लगेगा, तो हमें वही कैलकुलेट करके बताना है व्हाट इज द टेंशन फोर्स एक्टिंग इन दिस वायर। अब बस पहले चेक कर लो, इतनी बड़ी राम कहानी मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए करी है, क्या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? Yes, चलो डन। हाँ क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन समझाने में 5 मिनट चले गए। भैया ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन आई बी आर डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। आप लोग ऑप्शन लिख लो फिर देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे आराम से। नेक्स्ट है आई बी आर थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा, ये क्या बदतमीजी है। ऑप्शन सी आई बी आर और ऑप्शन डी भैया आई बी आर बाय साइन थीटा। डन, चलो अब क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन मैं ही समझा रहा हूँ, बस आप देखते रहना कि भैया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। यार ये हमारे पास सेमी सर्कुलर आर्क था, याद रखो टेंशन फोर्स कैसे लगता है, अगर कोई सेमी सर्कुलर आर्क वगैरह है उस पर टेंशन फोर्स कैसे लगता है, तो याद रखना टेंशन फोर्स टेंजेंशियल लगता है। मैं समझाता हूँ ये चीज क्यों। यार अगर आपने 11th में पढ़ी होगी, हमारे पास तीन टाइप के स्ट्रेस होते हैं, लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। हमारा लीनियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि वो वायर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वायर के लेंथ चेंज करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि भैया वो चारों तरफ से कंप्रेस करके वॉल्यूम चेंज करना चाहता है। वेरस शेयरिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि टेंजेंशियल फोर्स लगता है और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वो वायर को एक्सपैंड या फिर वायर की शेप चेंज करने की कोशिश करता है। तो मेरे को बताओ इन तीनों में से जो मैंने आपको स्ट्रेस बताया इस पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा होगा, टेंजेंशियल, लीनियर या फिर वॉल्यूमेट्रिक? टेंजेंशियल, क्योंकि वो वायर की लेंथ को चेंज, शेप चेंज करा रहा है, एक्सपैंड करा रहा है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब इसके टेंजेंट पे, यहाँ पे फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। पहले भैया लोग चेक कर लो क्लियर हुई है यहाँ तक की बातें या नहीं हुई है, रिपीट करना है। डन, सपोज इस तरीके से डायग्राम को अज्यूम करना, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपको एग्जांपल लेता हूं, आपको शायद से क्लियर हो जाए। ये शायद एक बार बताओ मेरे को, सपोज ये एक रिंग है, एक रिंग है, जैसे मैंने ये सर्कल वायर की एक रिंग बना दी, एक ये रिंग है मेरे पास। अभी इस रिंग के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, अगर इस रिंग के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो इस रिंग का कुछ ना कुछ रेडियस है आर। मैं क्या कर रहा हूं, अब इस रिंग के ऊपर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूं, तो मेरे को बताओ रिंग के साइज पे क्या फर्क पड़ेगा अगर इसके ऊपर पूरे के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। तो भैया रिंग का पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिंग का पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो जब मैं इस रिंग को पॉजिटिव चार्ज बना दूंगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस रिंग का साइज हल्का सा इंक्रीज कर जाएगा, रिंग मेरी क्या कर जाएगी, हल्की सी एक्सपेंड कर जाएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? अब मेरे को बताओ एक्सपैंड करने के लिए मैंने क्या किया होगा, क्या सिर्फ रिंग को एक जगह से खींच दिया होगा या चारों तरफ से, मतलब हर एक पॉइंट से खींचा होगा, चारों तरफ से मतलब हर एक पॉइंट से खींचा होगा, हर एक पॉइंट से। तो अगर कोई भी चीज एक्सपैंड हो रही है तो क्यों हो रही है, समझो उस चीज को। एक्सपैंड होने का मतलब क्या है, सपोज ये छोटा सा सर्कुलर पार्ट ले लो कि भैया ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, पहले इसकी लेंथ इतनी थी लेकिन अब पॉइंट क्यू और पी के बीच में जो लेंथ है वो इतनी है, तो भैया आपको दिख रहा है ना कि लेंथ इंक्रीज हुई है पी क्यू वाले सेगमेंट की। तो पी क्यू वाले सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज कैसे हुई होगी, टेंशन फोर्स सीधा तो नहीं लगा होगा, क्योंकि अगर टेंशन फोर्स सीधा लगता तो ये वायर फ्लैट की फ्लैट रहती, लेकिन ये तो आर्क है, तो आर्क को स्ट्रेच करने का तरीका क्या होता है, आर्क को स्ट्रेच करने का तरीका होता है कि आप फोर्स उस पर ऐसे लगाओ ताकि ये स्ट्रेच भी ऐसे ही हो। चेक करो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई। अब भैया क्या सबको क्लियर है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टेंशन फोर्स ऐसे ही क्यों लगेगा, टेंजेंशियली ऐसे सीधा या परपेंडिकुलर या ऊपर क्यों नहीं लग रहा है? तो भैया यही चीज मैंने यहाँ पे मार्क करी है कि ये टेंशन फोर्स है। अब क्या करना है, इस टेंशन फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो भैया आपको दिखेगा कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा था थीटा, तो अब वो थीटा किसके साथ बनेगा, मेरे को ये बताओ थीटा किसके साथ बनेगा, इसके साथ या इसके साथ? और कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी 8 क्वाड्रेंट्स वाली, तो चेक करो थीटा किसके साथ बन रहा है, इसके साथ या इसके साथ, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ या वर्टिकल कंपोनेंट के साथ, चलो चेक करके बताओ, और थोड़ा जल्दी टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बताओ।
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भाई वेरी गुड, आप देखोगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बन रहा है, तो ये होगा टी कॉस थीटा, ये भी होगा टी कॉस थीटा, ये होगा टी साइन थीटा, ये होगा टी साइन थीटा, किस्सा खत्म। भैया ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट आ रहे हैं, काट दो। नीचे की तरफ टोटल कितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? भैया टोटल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है 2t sin थीटा, लेकिन ऊपर की तरफ भी तो एक फोर्स लग रहा है, और अभी मैंने मार्क करके बताया था आपको ऊपर की तरफ ये कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। यार इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इक्वेट कर दो इसको मैग्नेटिक फोर्स से, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इतना पार्ट आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, चेक करो कि पहले ये चीज क्लियर है या नहीं। सिर्फ कोनों की टेंशन देंगे, सिर्फ सर्कुलर आर्क के कॉर्नर वाली टेंशन फोर्स को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सपेंड हो रहा होगा, तो मतलब मैंने कॉर्नर से खींचा एक तरीके से, तभी तो पूरा सर्कुलर फॉर्म में एक्सपेंड हुआ होगा। ओके सर, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भैया, चेक कर लेना ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, और इसको एज अ होमवर्क की तरह ट्राई कर लेना, और ऑप्शन की तरह मैच करके देख लेना कि भैया ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है। ऑप्शन दिखाना सर। हाँ ऑप्शन दिखा रहा हूँ, एक मिनट। एफ एम, और एफ एम हमारे पास क्या है? एफ एम हमारे पास आई डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन बी, और बाकी सब कुछ पता ही है, साइन थीटा वगैरह, ये लो ये ऑप्शन है। तो देखो चैप्टर खत्म हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्लास में बस इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, उससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं डिस्कस कर रहे हैं अब, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है? Yes, आप भैया इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, और आपको अगर और कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा है, तो वो क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट नहीं हुआ तो ही अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। सर आंसर ठीक है तो मैंने अभी चेक